स्टार्ट में हमें एक कार क्रैश के बारे में बताया जाता है, जिसमें हमें बताया जाता है कि दो ब्रदर्स सरवाइव कर चुके हैं, मगर उनके पेरेंट्स की कार क्रैश में डेथ हो गई है। इसके बाद हमें उन्हीं दोनों भाइयों को दिखाया जाता है। ये दोनों जंगल में दूर कहीं एक कैबिन में रहा करते थे और वहाँ पर आसपास उनके कोई भी नहीं रहता था। ये दोनों भाई रात को स्लैब फेस नाम की गेम खेला करते थे और दोनों एक दूसरे को स्लैब किया करते थे और ऐसा लगता था उनको देख कर कि जैसे वो दोनों एक दूसरे को पनिश कर रहे हो। उनको ऐसा फील होता था कि उनकी वजह से उनके पेरेंट्स की डेथ हुई है। टॉम अपने छोटे भाई लूकस की बहुत ज्यादा केयर करता था। वो पास ही एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था और पीछे लूकस घर की सफाई करता था। लूकस घर के सभी काम करने के बाद पास ही लाइब्रेरी में जाकर बुक्स पढ़ता था। तभी वहीं पर उसी लाइब्रेरी में नेट पर वो पढ़ता है। लोगों का ये मानना है कि पास ही एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में एक विच रहती है और उसको लोगों ने अपनी आंखों से भी देखा है। और अब ये बिल्डिंग लूकस के घर के काफी ज्यादा पास थी। इसके बाद लूकस को लेकर एक डिटेक्टिव आता है। उस डिटेक्टिव को लूकस उसी बिल्डिंग के पास मिला था। अब वो डिटेक्टिव टॉम से कहता है कि वो ये नहीं चाहता कि उस बिल्डिंग के आसपास कोई भी जाए। अगले दिन हम देखते हैं कि लूकस को कुछ लड़कियां परेशान करती हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे लूकस ने उनका कोई सामान चुराया है। अब वो लड़कियां लूकस को तंग कर रही थी और उसको दो चॉइस देती हैं। कहती हैं या तो उसे उनके कपड़े वापस करने होंगे या फिर उसी बिल्डिंग के अंदर जाकर ये देखना होगा कि वहाँ पर क्या है। और जैसे कि मशहूर है कि वहाँ पर एक विच रहती है, तुम्हें जाकर ये चेक करना होगा कि वहाँ पर कोई विच रहती भी है या नहीं। मगर लूकस एक ब्रेव लड़का था। अब वो उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पर जो विच उस बिल्डिंग में रहती थी उसको पकड़ लेती है। वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है, मगर जैसे ही उसको होश आता है तो वो एक लड़की के साथ था। ये लड़की भी उन्हीं लड़कियों के साथ थी जो लूकस को तंग कर रही थी। वहीं पर दूसरी तरफ टॉम एक लड़की से मिलता है। वो लड़की को इम्प्रेस कर लेता है और इसके बाद वो लड़की उसके साथ घर में आ जाती है। अब जब लूकस घर आ जाता है तो वही लड़की एना लूकस के हाथ पर कुछ निशानों को नोटिस करती है। ये वही निशान थे जो विच ने लूकस को दिए थे। मगर अब अगले दिन फिर से लूकस उस बिल्डिंग के पास जाता है और वहाँ पर जाकर वो उस विच के फुटप्रिंट्स देखता है, क्योंकि लूकस अभी तक डाउट में था कि उसने वो विच देखी है या नहीं। इसके बाद तभी हम लूकस को देखते हैं जो जंगल में भाग रहा था, मगर अब दोबारा से वो विच लूकस को पकड़ लेती है। लूकस उस विच को देखकर डर बिल्कुल भी नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो विच से ऑब्सेस्ड हो गया हो। इसके बाद वो उस विच के साथ मिलकर सनसेट को भी देखता है। हम देखते हैं लूकस उस विच के साथ इतना ज्यादा खुश था कि जैसे वो विच उसकी मदर हो। नेक्स्ट सीन में लूकस को एना अपना एक रॉकेट दिखाती है जो कि एक विचक्राफ्ट था, और लूकस विचक्राफ्ट जैसी चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग गया था। अब अगले दिन लूकस को गन मिलती है जो उनके पेरेंट्स की थी और वो अब उस गन को लेकर जंगल में निकल जाता है उस विच का हंट करने के लिए। मगर वो विच तो लूकस का बहुत ज्यादा ख्याल रख रही थी। वहाँ पर जंगल में लूकस के पीछे कुछ डॉग्स पड़ जाते हैं, मगर वो विच उस डॉग को पकड़ती है और उसके दो टुकड़े कर देती है। लूकस जब ऐसा देखता है तो उसको अब ये लग रहा था कि वो विच उसका बहुत ज्यादा ख्याल रख रही है। अब विच और लूकस मिलकर उस डॉग को दफना देते हैं। लूकस जब घर आता है तो वो अपने ब्लड वाले कपड़े वॉश कर रहा था, जिसको एना देख लेती है। अब एना और टॉम ये जानने की कोशिश करते हैं कि लूकस आजकल कहाँ पर जा रहा है, मगर लूकस उन दोनों को कुछ भी नहीं बताता। एना टॉम से कहती है कि उन दोनों को लूकस का ख्याल रखना होगा। उसको ऐसा लग रहा था कि लूकस जैसे किसी विचक्राफ्ट में फंसा हुआ है, मगर टॉम इन सब बातों को नहीं मानता था। इस वजह से वो एना की बातों पर बिलीव नहीं करता। अब उसी रात वो विच लूकस के घर के बाहर आती है और वो एना की कार पर स्क्रैचेस मार देती है। अगले दिन एना टॉम को दोबारा से इस बात पर यकीन करने का कहती है, मगर टॉम इस बार भी उसकी बात नहीं मान रहा था। लूकस अपने फ्रेंड को उस विच से मिलवाने के लिए ले आया था। वो अपनी फ्रेंड से ये प्रॉमिस करता है कि वो उसको कुछ भी नहीं होने देगा, मगर उसकी फ्रेंड बहुत ज्यादा डर रही थी और वो उस बिल्डिंग में नहीं जाती। उनको दूर से विच देख रही थी। एना एक बच्ची को देखती है जो एक डॉग के मिसिंग पोस्टर्स लगा रही थी। एना जब उस पोस्टर को देखती है तो उसको ऐसा फील होता है कि शायद उस दिन लूकस जो अपने कपड़े वॉश कर रहा था ब्लड वाले, वो इसी डॉग का ब्लड था और ये डॉग मिसिंग है। तभी हम देखते हैं कि वो विच अब लूकस के घर पर आ गई थी जब कोई भी नहीं था और वो उसकी फैमिली फोटोज को गिराने लगती है। पर तभी घर में एना जाती है। वो लूकस के रूम में जाती है और वहाँ पर कुछ प्रूफ ढूंढने लगती है ताकि उसे ये कंफर्म हो सके कि लूकस की आजकल की एक्टिविटीज क्या है। मगर तभी उसको फील होता है कि जैसे घर में कोई चीज मौजूद है और तभी उसको विच नजर आती है। वो विच एना पर अटैक कर
बीच लूकस की मदर का ड्रेस ट्राई करती है, मगर लूकस को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है और वो उस फिश से कहता है कि ये ड्रेस रख दो, ये मेरी मदर का ड्रेस है। तभी वहाँ पर टॉम आ जाता है और लूकस जल्दी से उस विच को कबर्ड में छुपा देता है। टॉम जब वहाँ पर आकर ये सब कुछ देखता है कि लूकस ने उनकी फैमिली पिक्चर्स को तोड़ दिया है। इनका ये रूल था कि जो भी गलती करेगा मगर सजा दोनों को मिलेगी। अब ये लोग दोबारा से स्लैप फेस गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। गेम खेलते वक्त टॉम जब लूकस को मार रहा था तो वो विच भी हर्ट हो रही थी। अब वो विच टॉम को मारने आती है, मगर लूकस उस विच के सामने टॉम को बहुत ज्यादा प्यार करता है, ताकि विच को ये लगे कि लूकस टॉम से बहुत ज्यादा प्यार करता है और इस वजह से वो टॉम को हर्ट नहीं करेगी। और तभी वो विच वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लूकस को कुछ अजीब फूल नजर आते हैं जो उस विच के थे, और वो उन फ्लावर्स को फॉलो करने लगता है और उन फ्लावर्स को फॉलो करते करते वो एना की डेड बॉडी तक पहुँच जाता है, जहाँ पर लूकस को ये बात पता चलती है कि उस विच ने एना को मार दिया है। मगर वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आकर लूकस को तंग करती हैं और वो खुद वहाँ से भाग जाता है। वो लड़कियाँ लूकस को ढूंढने लगती हैं और तभी लूकस के पीछे जो उसकी फ्रेंड आ रही थी विच भी वहाँ पर आ जाती है और एक पत्थर उठाकर उसकी फ्रेंड के सर में मार देती है, जिससे लूकस की उस फ्रेंड की भी डेथ हो जाती है। और अब ये सब कुछ लूकस को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि उस विच ने लूकस के प्यारों को मार दिया था और ये बात अब लूकस को अच्छी नहीं लग रही थी। उसके दिल में विच के खिलाफ नफरत पैदा हो रही थी। तभी वहाँ पर लूकस को वही विच नजर आती है, मगर लूकस उसको हार्म करने की कोशिश कर रहा था, मगर उस विच को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद लूकस पुलिस की हेल्प लेता है। वो वहाँ पर एक डिटेक्टिव के पास जाता है। वो डिटेक्टिव उसको उसके फादर के बारे में बताते हैं कि वो तुम्हारी मदर को बहुत ज्यादा मारते थे और इस वजह से उनकी डेथ हो गई, और तुम भी बहुत ज्यादा गुस्से में रहते थे और घर की चीजों को तोड़ा करते थे। मगर लूकस उस डिटेक्टिव से कहता है कि मुझसे ये सब काम कोई और करवा रहा था। तो डिटेक्टिव कहता है कि हो सकता है कि इन सब कामों के पीछे तुम ही हो। यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि लूकस ही था जिसको वो विच शुरू से ही नजर आ रही थी। पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब लूकस की वहाँ पर आँख खुलती है तो वहाँ पर पूरा पुलिस स्टेशन बर्बाद हो चुका था। सभी पुलिस ऑफिसर्स मर गए थे और उन सब पुलिस ऑफिसर्स को उसी विच ने मारा था क्योंकि वो लूकस को परेशान कर रहे थे। अब लूकस उस पुलिस स्टेशन से एक गन उठाता है और वहाँ से भाग जाता है।